अस्सलाम वालेकुम, सना मिर्ज़ा हाज़िर है। इस वक्त प्रोग्राम हौसले बुलंद है और हम मौजूद हैं कमांडर सिटी के फ़ुटबॉल ग्राउंड में। जैसे कि आप सबको ही मालूम है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022, और इसका पहला मरहला तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो रहा है, जबकि दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। तो पहले मरहले में जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, थोड़ी सी उसकी अपडेट लेते हैं यहाँ के प्लेयर्स से। यहाँ कमांडर सिटी की यूथ टीम है, उनके प्लेयर्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़े शौक से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचेस देख रहे हैं। तो इनसे हम अपडेट लेते हैं कि कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है तलहा, यूथ टीम के ये गोलकीपर हैं और बहुत ही शौक से ये फुटबॉल तमाम मैचेस देख रहे हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के। इनसे हम अपडेट रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा, मुझे बताइएगा कि अब तक की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल कितनी कौन कौन सी टीमों ने क्वालिफाई कर चुके हैं? अब तक बहुत सी टीमें डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं, बहुत सी अच्छी टीमें हो चुकी हैं और बहुत सी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अर्जेंटीना ने भी कर लिया है, पोलैंड ने कल रात को पोलैंड भी क्वालिफाई कर लिया, हार गया था लेकिन क्योंकि मेक्सिको ने सऊदी अरेबिया को हरा दिया इसलिए पोलैंड ने क्वालिफाई कर लिया, और साथ में अर्जेंटीना ने भी। और दूसरे बाकी ग्रुप्स में अभी स्पेन और जर्मनी, स्पेन वाला जो ग्रुप ई है उसका अभी तक कोई पता नहीं है कि कल मैचेस हैं, तो कल पता चल जाएगा कौन राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करेगा। बाकी इंग्लैंड और यूएसए ने भी क्वालिफाई कर लिए, और बाकी वेल्स डिसक्वालीफाई हो गया, और ब्राज़ील ने भी क्वालिफाई कर लिया, पोर्चुगल भी कर चुके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तलहा ने मुकम्मल तफसीली आप लोग को बताया कि कौन कौन सी टीमों ने क्वालिफाई कर चुके हैं। अब नारसा टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तारिक लुत्फी साहब, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये मज़ीद आपको अपडेट देंगे तफसीली, क्योंकि ये बारीकी से नज़र रखते हैं फुटबॉल पर तो, और सीनियर हैं तो हम इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक लुत्फी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आप मौजूद हैं। आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए कि अब तक के कौन कौन सी टीमों ने क्वालिफाई कर चुकी हैं और आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टीमों ने डिसक्वालीफाई किया है, काफ़ी ने क्वालिफाई कर चुके हैं। आप अपना नज़रिया बताइएगा कि तो के अब आप तमाम इन तमाम मैचेस को किस तरह से देख रहे हैं? वर्ल्ड कप जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है आगे की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता टीमें कुछ अपनी फॉर्म में भी आ रही हैं। कल रात को मैंने अर्जेंटीना का और पोलैंड का मैच देखा और इट वाज अ वेरी गुड मैच, और कल खुसूसन बहुत अच्छा लगा अर्जेंटाइन को अच्छी फॉर्म में देखते हुए। अब बहुत ही अच्छा अटैकिंग प्लेयर है इस टीम के अंदर, और हर लड़के के अंदर, हर प्लेयर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कहीं से भी बहुत शानदार स्कोरिंग करने का हामिल है। और मेरे ख्याल है कि 90 मिनट तक पोलैंड को बहुत ज़्यादा डिफेंड करना पड़ा, और किस्मत उनकी अच्छी है कि उनको भी क्वालिफिकेशन मिल गई, और अर्जेंटाइन ने डिस्पाइट ऑफ लूजिंग फर्स्ट मैच इन दी वर्ल्ड कप वो दोबारा ग्रुप में टॉप कर गई अपने। तो इसी तरह ये बड़ी टीमें सारी जो है ना वो अपनी पोजिशनों पर आती जा रही हैं। ट्यूनिस ने एक ऐसे मैच में बहुत बड़ी टीम को जीत कर फ्रांस को, जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन थी, उसको भी अपसेट किया, और मैं समझता हूँ कि फ्रांस जो है ना वो कंफर्टेबल थी ऑलरेडी, वो ग्रुप जीत चुकी थी, इसलिए हो सकता है कि रिजर्व प्लेयरों को खिलाया हो और ऐसी पोजीशन हो कि उसने इस मैच को इतना सीरियस नहीं दिया। लेकिन बहरहाल ट्यूनिसिया की विन जो है अगेंस्ट फ्रांस जो है वो बहुत काउंट करती है, और वो बहुत बड़ी जीत है। बहरहाल अब लास्ट 16 का मरहला शुरू होगा और बड़े दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपसे इस मौजू पर बात होती रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तारिक लुत्फी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहने के लिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं और देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट राउंड शुरू होता है उसमें कौन कौन सी टीमें इन रहती हैं, कौन फाइनल तक पहुंचती हैं। हमारी भी ख्वाहिश है, हमारे मुल्क के बच्चों की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी एक वक्त ऐसा आए कि वो भी वर्ल्ड कप खेले। हालाँकि यहाँ पर बहुत टैलेंट है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते।
हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम भी आगे बढ़े और फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सना मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।